उज्जैन के शासकीय अस्पताल में सफाई का जिम्मा कॉन्ट्रैक्ट पर दे रखा है, लेकिन ठेकेदार ने सफाई कर्मियों को पैसा नहीं दिया। कर्मचारियों ने कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन सौंपा। उज्जैन में स्थित माधव नगर अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मियों ने देवास रोड कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया। कर्मचारियों ने बताया कि हमें काम करने से पहले ठेकेदार अग्रवाल के द्वारा कहा गया था कि आपको कलेक्ट्रेट रेट पर पेमेंट करेंगे, और कर्मचारियों का अब ये कहना है कि ठेकेदार उन्हें कलेक्ट्रेट रेट के हिसाब से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि हमने कोरोना महामारी के चलते लंबे समय अस्पताल में कार्य किया है, काम करते हुए 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है, जिससे हमें जीवन यापन करने में भारी परेशानी हो रही है। हमारी समस्या ये है कि हमारे को तनख्वाह में उन्होंने बोला था कि हम 6,000 देंगे, और अब ये सब कुछ हम 4,000, 3,500, 4,500 रुपए पेमेंट दे रहे हैं, इसलिए हमने हड़ताल कर दी। और क्या क्या और समस्या ये है कि हमारी बहन की लड़की भी वहाँ नौकरी करती थी, वो भी उसको चक्कर आके क्या था, आईसीयू में 3 दिन हॉस्पिटल मेरी हुई थी। कौन सा हॉस्पिटल में काम? ये माधव नगर में करती थी वहीं पे, और फिर उसको कल रफाई कर दिया सिविल में।